The plot of log kf versus 1 by t for a reversible reaction A gives P is shown. तो ये ग्राफ दिया है, उसमें एक पॉइंट का वैल्यू भी हमें दिया है. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है? एरिनेस इक्वेशन जो होता है जिसमें रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी इस तरह से लिखते हैं. तो इसमें ई की पावर ये जो भी है ये तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया, और इसके पहले जो आता है ए उसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. अब हम फॉरवर्ड रिएक्शन का बस अगर हम रेट कांस्टेंट लिखेंगे जैसे यहाँ पे दिया भी है तो उसको हम केएफ बोलते हैं और बैकवर्ड को के बी बोलते हैं, और के जो होता है वो ओवरऑल रिएक्शन का होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो ऐसा हम इक्वेशन लिखेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों के लिए. तो के एफ को हम लिखेंगे के एफ इंटू ए, मतलब फॉरवर्ड का जो भी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जो दिया हमें 10^15 इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो भी ई ए होगा वो डिवाइडेड बाय आर टी. इसी तरह से के बी भी हम लिख सकते हैं 10^11 बैकवर्ड का जो भी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए, इसका ई ए जो है वो कुछ अलग भी होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो तो वो अलग होता है. तो इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा. और हमें क्या दिया है इन्फॉर्मेशन कि लॉग के एफ जो है वो एक पॉइंट दिया है, और यहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन दिया है लॉग के इज लॉग 6. तो एक फॉर्मूला होता है कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो होता है ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट वो होता है के एफ बाई के बी. अगर इसको हम लॉग लेंगे तो ऐसा भी बोल सकते हैं लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ के एफ माइनस लॉग ऑफ के बी, क्योंकि हमें ये पता है कि 500 पे लॉग के का वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं. और 500 पे ही ये 1 बाई टी का एक्सिस है, मतलब 1/500 अगर हम देखेंगे तो ये होता है 0.002, और 500 केल्विन पे ही लॉग ऑफ के एफ जो है वो 9 है, तो लॉग ऑफ के एफ का वैल्यू हम 9 लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमें लॉग के भी मिल जाएगा, लॉग के भी यहाँ से मिलेगा 3. लॉग के बी का वैल्यू अगर 3 है इसका मतलब क्या होगा कि लॉग के बी का वैल्यू है 10^3. लॉग के बी का वैल्यू 3 है मतलब के बी है 10^3. तो हमें यह समझ में आ गया कि 500 केल्विन पे के बी है 10^3, और के एफ भी हमें समझ में आ जाएगा. अगर log के एफ 9 है तो के एफ जो है वो 10^9 है, के एफ जो है वो 10^9 है 500 केल्विन पे, ये सब हम लिख रहे हैं. ये वैल्यूज अगर हम सब यहाँ पे लिखेंगे तो के एफ का वैल्यू 10^9 है और ये 10^15 है, तो ये जो भी एक्सपोनेंशियल पार्ट है ये ई पावर जो भी है इसका वैल्यू हमें समझ में आ जाएगा. तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, के एफ अगर 10^9 है तो ये 10^15 यहाँ पे डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 10^-6. और इसी तरह से के बी का वैल्यू यहाँ पे 10^3 और ये 10^11 है, जब लेफ्ट साइड में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 10^-8. इसका मतलब ये जो है इसका वैल्यू होगा 10^-8. तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स जो है दोनों केस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड में 500 केल्विन पे, तो उनका वैल्यू भी हमें समझ में आ गया है. और हमें फाइनल क्वेश्चन पूछा है लॉग के बी कितना होगा मॉड 250 पे. तो के बी लॉग के बी तो हमें पता है लेकिन 500 पे पता है, 250 पे क्या होगा. तो 250 पे चेंज क्या होगा, इस फॉर्मूला में टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर हाफ हो गया है. टेम्परेचर जब यहाँ पे हाफ हो जाएगा इसका मतलब ई का जो पावर है वो डबल हो जाएगा. दोनों ही केसेस में पावर डबल हो जाएगा, इसका मतलब ये कि अभी जो भी वैल्यू है इसका स्क्वेयर हो जाएगा. तो ये 10^-6 जो है वो 10^-12 हो जाएगा, और ये जो 10^-8 अभी है वो 10^-16 हो जाएगा. अगर वैसा करके अगर हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे फिर से सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी लिख रहे हैं 250 केल्विन पे जो होगा वो 250 केल्विन के लिए क्या होगा कि के एफ, सॉरी हमें के बी पता करना है, तो बस के बी का इक्वेशन लिखते हैं. के बी इज इक्वल टू K b = 10^11. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है वही रहेगा, वो तो एक कांस्टेंट नंबर है a, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर चेंज होगा और वो हो जाएगा 10^-8 का स्क्वेयर, मतलब 10^-16 हो जाएगा.
इसका मतलब है के बी का वैल्यू हो जाएगा 10^-5, तो इसका जो लॉग होगा वो हो जाएगा -5। तो लॉग के बी -5 है, उसका मॉड जब लेंगे तो आंसर आएगा 5। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर 5।